अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। और इसी के साथ क्रिप्टो की दुनिया को एक बहुत ही बड़ा मुल्क यहां पर दोस्तों कबूल करने जा रहा है और उसे बाकायदा तौर पर बिल की शक्ल में मंजूर करने का मुकम्मल तौर पर इरादा कर लिया गया है। वो मुल्क जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसकी यहाँ पर दोस्तों बात सुनी जाती है, मानी जाती है, अहमियत दी जाती है और वहाँ के कानून की जो अहमियत है वो शायद ही किसी और मुल्क में हो। तो गाइज़ इस पर हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ जो मुझे डाउट था बिलाहर वही हुआ, आज BTC डोमिनेंस दोस्तों एक मरतबा फिर से इंक्रीज़ हुआ है 48.40 मतलब 48.40 तक डोमिनेंस भर चुका है और क्रिप्टो की मार्केट पे BTC का बहुत ही बड़ा राज यहाँ पर शुरू हो गया है। आप कह सकते हैं कि BTC की ग्रिप जो है वो डे बाय डे मजबूत होती चली जा रही है। जो कैपिटलाइजेशन है उसमें भी यहाँ पर करीब $100 बिलियन का इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर BTC की। BTC ने आज गाइस 27,000 के लेवल को बिल आहर क्रॉस कर दिया। इन बुरे हालात में भी जहाँ पर सारा दिन मार्केट स्टक दिखाई दी, कोई ट्रेड मार्केट के अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन अचानक जस्ट एक 25 से 30 मिनट गुजरे और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे टोकन एक अपना अपना टारगेट जो है वो सक्सेसफुल करके दोबारा अपने प्राइस पे आकर के खड़े हो गए हैं। एनीवे BTC ने 27,000 की रेजिस्टेंस आज शो की है हमें और इथेरियम जो है वो गाइस 1600 के लेवल में एंटर हो चुका था, लेकिन दोबारा अचानक 1752 का है। इस पर हम लास्ट में चल करके बात करेंगे। आगाज़ करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले BNB से। हमारी सपोर्ट थी BNB को लेकर के 233 to 247। BNB ने हमें सबसे पहला लो दिया 238 का, हम बहुत क्लोज रहे हमारी सपोर्ट के करीब 80%, तो हाई रहा 245 का। $7 की BNB ने हमें आज ट्रेड दी है। नेक्स्ट मार्केट के लिए BNB की सपोर्ट होगी गाइस 229 to 245। ये लेवल BNB के लिए बहुत ही हेल्दी हमारे एतबार से भी साबित होगा। तो गाइज़ यहाँ पर XRP को क्यों इतनी अहमियत बार बार मिल रही है केस सोल्व हुए बगैर, तो बढ़ते हैं इस न्यूज़ की तरफ जहाँ पर क्रिप्टो बिल के पास होने की बात हो रही है और साथ किन टोकन के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये भी यहाँ पर अहमियत के हामिल होंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ पर UK जो है वो एक बिल पास करने जा रहा है पार्लियामेंट हाउस की तरफ से, ठीक है, यानी कि UK क्रिप्टो स्टेबल क्वाइंस लॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट अपर हाउस। द फाइनेंशियल सर्विस एंड द मार्केट बिल स्टैंड टू द रिकॉग्नाइज क्रिप्टो एज अ रेगुलेटेड एक्टिविटी एंड द स्टेबल क्वाइन एज द मीन ऑफ पेमेंट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। यानी कि जो लॉ यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा, जाहिर बात है UK जैसे कंट्री में कभी भी कोई काम अंडर द लॉ या विदाउट लॉ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। जहाँ पर इंसानियत के हकूक़ को इतनी इज्जत दी जाती है, वहाँ पर लॉ को भी मानना हर सिटीज़न का एक हक भी है। सो यहाँ पर जो बिल स्टैंड करेगा दोस्तों, उसकी जो पहचान बनेगी UK के लॉ के मुताबिक, उसमें कुछ ख़ास टोकन होंगे। अब आप अंदाज़ा करें जहाँ पर USA इस मार्केट को धक्के मार रहा है और उनके इसको ट्रीट करने का तरीका भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि गैरी गेंसलर पे अभी तक कोई ट्रीटमेंट जो समझ लें कि कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई गैरी गेंसलर के ऊपर, तो बड़ी बात है कि यहाँ पर UK उनके किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार किए बगैर, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो वो डेफ़िनेटली पहले इसी चीज़ के इंतज़ार में बैठा रहता है कि मेरा पड़ोसी क्या करता है, ठीक है, और बाद में आपको पता चलेगा। और हमारे इर्द गिर्द भी जो कुछ ऐसे कंट्री हैं, ठीक है, वो भी इसी चक्कर में होते हैं। जितने भी हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं उनका भी यही ख्याल होता है कि हम देखते हैं UK क्या करता है। तो UK एक वाहिद कंट्री है जो किसी को नहीं देखता कि फलाना क्या करता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि UK पार्लियामेंटेरियंस हैव वोटेड थ्रू अ न्यू बिल डैट कुड रिकॉग्नाइज क्रिप्टो एज अ रेगुलेटेड एक्टिविटी इन द कंट्री। सो गाइज दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ एवर, ठीक है। और एक्टिविटी को जब रेगुलेट कर दिया जाएगा तो आप सोचें कि ट्रेडर के सर से कितना बड़ा बोझ उतर जाएगा। द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस मार्केट बिल FSMB ऑन मंडे बाय द पार्लियामेंट अपर चैम्बर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से गाइस ये बिल जो है कि यहाँ पर एंटर होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि मीन द बिल इज़ गोइंग टू एंटर द फाइनल स्टेजेस बिफोर इट इज़ पुट इन टू द लॉ। यानी कि इससे पहले कि कानून साजी के लिए पेश कर दिया जाए, उससे पहले ये आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है और इस बिल में
द वाइड रेंजिंग बिल स्पैनिंग ओवर द 340 पेजेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द जुलाई टू टेक एडवांटेज ऑफ ब्रेक्सिट फ्रीडम्स एंड गिव रेगुलेटर मोर पावर ओवर द यूके। ठीक है, UK financial system. While the original bill included a proposal to regulate stablecoin under the country payments rules, amendments to treat all crypto as a regulated. तो guys यहाँ पर तमाम जो under the law काम होने जा रहा है, जिसका advantage Brexit freedom को भी दिया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त market के अंदर एक betterment आने के chances यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन इनकी तरजीह, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से दोस्त होते हैं वो हर खबर का गलत मतलब निकाल लेते हैं। इनकी पहली तरजीह है दोस्तों स्टेबल कॉइन्स। अब आपको मैं इसके ऊपर वीडियो पहले भी बना कर दे चुका हूं, फिर भी प्रोवाइड करूंगा। स्टेबल कॉइन्स के अंदर आते हैं दोस्तों सबसे पहले तो टीथर, ठीक है, और आपको बताता चलूँ कि यूरोप ने भी अपना यूरो बाकायदा तौर पर डिजिटल करेंसी में लॉन्च करने का इरादा कर लिया है। ठीक है, दूसरी जानिब यहाँ पर गाइस अदर कंट्री भी कर रहे हैं, बांग्लादेश भी करने लगा है, तो सारे कंट्री कर रहे हैं यहाँ पर अपना अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च। ठीक है, CBDC। तो यहाँ जो इंग्लैंड है वो आगाज़ करने जा रहा है मैटिक से, ठीक है, और XRP, टीथर, TUSD और बहुत से ऐसे टोकन होंगे जिनका अभी उन्होंने नाम नहीं लिया। तो गाइस अगर वो नाम लेते हैं उन टोकन्स का, कि जिनको पहले मरहले में स्टेबल कॉइन की लिस्ट में डाल करके यूके के यूज़र्स को पेश किया जाएगा, तो सोचें मार्केट एक अच्छा बूम लेकर के आ सकती है। सो गाइस इसकी न्यूज़ जो है ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बिल पास होते ही जो न्यूज़ मार्केट में आएगी, बल्कि उसके पास होने से पहले पहले, क्योंकि बात तो जुलाई की जा रही है और अभी हम जून के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमें इसके ऊपर डेफिनेटली टोटल नज़र रखनी होगी। और हमारे साथ रहिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी न्यूज़ मिले मैं आपसे शेयर करता रहूं। और बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस एक बात इनमें रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो वक्त में मिले, तो आपने बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक करना है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस आज की मार्केट में सोलाना की जो सपोर्ट हमने आपसे शेयर की थी, सोलाना जो था वो 15.40 पे ऐसा स्टक हुआ कि उसने ना अपर फ्लाइट पकड़ी ना लोअर, किसी भी टोकन ने फ्लाइट नहीं पकड़ी। लिहाजा कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के मुताबिक आज का दूसरा सेशन बड़ा बोरिंग था, लेकिन इसने किसी हद तक करवट चेंज की है। एनीवे हमने सोलाना में $16 का हाई देखा। नेक्स्ट मार्केट के लिए सोलाना की सपोर्ट 15.45 होगी, 15.45। पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पर रिकवरी में है, LTC का हमारा गाइस सेम लेवल होगा यहाँ पर, और पोलका डॉट का भी। आगे बढ़ते हैं, एवेक्स की हमारी सपोर्ट यहाँ पर यूटिलाइज हुई है गाइस, हमें इसमें 32 सेंट की ट्रेड मिली। अभी एवेक्स यहाँ पर टूट रहा है, 11.52 का हाई लगाने के बाद 11.38 पे आ चुका है। नेक्स्ट मार्केट के लिए एवेक्स 11.10 की हमें यहाँ पर सपोर्ट यूटिलाइज करवाएगा। ऑटम का बिहेवियर गाइस बहुत अननोन सा रहा, एक टाइम आया ऑटम आज 8.34 तक चला गया और फिर इसने रिकवरी की 8.60 की। किसी भी वक्त ऑटम हमें हमारी ट्रेड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करवा देगा। और अगर बात करें चेन लिंक की, तो 5.10 पे हमारी यूटिलाइजेशन हुई, हाई रहा 5.20 का, 10 सेंट से ज़्यादा ट्रेड नहीं दे सका चेन लिंक, जो कि बहुत 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 कम है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए चेन लिंक की सपोर्ट $5 ही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस अपर साइड, और यहाँ पर BCH, ICP एग्जैक्टली सेम प्राइस पे हैं। अगर हम बात करें LDO की, तो हमारी जो बाइंग थी 1.74 की, वो अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि LDO 1.77 का हाई लगा कर फौरन नीचे आ गया, जो कि ना होने के बराबर है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही, जाहिरी बात है कोई यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर जाता है, किसी की पेंडिंग रह जाती है, लेकिन फंडामेंटल टोकन की सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप पेशेंस का मुजाहरा करते हैं तो आप जाते कहीं नहीं, आपका कुछ यहाँ पर सामान ख़राब नहीं होने वाला। खैर, सुबह हमने बाइंग कर रखी थी, बल्कि कल रात के जो हमारी सपोर्ट थी वो थी 6.80, जो हमने बाय कर ली थी, और हम एप्टस में स्टक थे। ठीक है, और सुबह ही सवाल जवाब आने शुरू हो गए थे कि उस्मान भाई एप्टस का क्या बनेगा, तो गाइस फाइनली 7.04 का एप्टस ने यहाँ पर हाई दे दिया। और अब बढ़ते हैं गाइस अपर साइड, क्वांट का हमारा जो हमारा बाइंग लेवल था वो अचीव हुआ, हाई रहा 101 का, अब क्वांट यहाँ पर फिर से लो हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वांट का लो 96.20 तक का हमें देखने को मिलेगा, जो हमें यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर STX
बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से बढ़ रहा है। डबल ए वी ई ने आज हमें गाइस 52.19 का हाई दिया, दोबारा से इसके प्राइस डंप कर रहे हैं। फिलहाल इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही लेवल में मुसलसल काम कर रही है। अब बात करते हैं के सी एस की। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि के सी एस आज के दिन और डंप करेगा, ठीक है, तो देख लें आपके सामने के सी एस की जो पहली बाइंग है वो इस वक्त यूटिलाइज हो गई है। आपको स्पेशली सुबह की वीडियो में बताया गया था कि के सी एस मज़ीद डाउन करना है 30 सेंट। आप ये देखें कि 7.24 का जो इसका आखिरी खाई था उसके बाद से लेके अभी तक गिर रहा है 6.25 पे। आपकी आज यहाँ के सी एस में पहली बाइंग हो गई है, ठीक है। अब इसके मैक्स जो लो जाने के चांसेस हैं वो है 5.85। तो आप क्या करेंगे के सी एस की, अगर आपने 6.30 की बाइंग कर ली है तो डेफिनेटली अब दूसरी बाइंग यहाँ पर 5.85 की बनती है, जिसके लिए आपको अभी वेट करना होगा। तो गाइस नेटिव टोकन के तौर पे आप इस टोकन को कतन इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ी स्ट्रेंथ है इसके अंदर गाइस। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। IMX 61 सेंट से हमारी बाइंग के मुताबिक 62 तक पहुंच चुका है, अगर आप चाहें तो उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। सोई टोकन गाइस यहाँ पर अभी तकरीबन 74 सेंट का लो लगाने के बाद 76 का हाई, दोबारा ये हमें किसी भी वक्त 0.71 का लो दे सकता है। फर्दर डिटेल में अगर हम जाते हैं दोस्तों तो मज़ीद किसी टोकन में भी मूवमेंट नहीं हो रही। पेपे डे बाय डे एज पे आ चुका है, आज 2 रैंक इसके और कम हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे CVX को। गाइस CVX के बहुत से चांसेस हैं कि ये हमें किसी भी सेशन में 3.10 का लो दे सकता है, तो हम क्या करेंगे CVX को यहाँ पर 3.10 के टारगेट के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब बढ़ते हैं गाइस BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ, लेकिन कुछ सवाल थे उनमें से एक का जवाब मैं अभी दूंगा, जो बहुत ज़्यादा समझ लें कि ये सवाल 100 से 110 तक व्यूवर्स ने ये सवाल पूछा हुआ था डिफरेंट वीडियोस में, और ये हमें एडमिन की जानिब से पता चला है। और आप जानते हैं कि मैंने वीडियो में ही आपको रिप्लाई करने का आपसे वादा किया था कि मौजूदा हालात में कौन सी एक्सचेंजेस पर ट्रेड की जाए। तो गाइस बाइनांस जो है जिन पर आप काम कर रहे हैं उसका फंड जो है उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ को आपसे क्या मज़ीद डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं बाइनांस पे आए दिन बात करता रहता हूँ। तो यही एक फार्मूला है जो बेस्ट एवर फार्मूला है, जो मैं खुद यकीन करें कि मैं खुद इसके ऊपर अमल करता हूँ, ठीक है। मान लें कि आपके पास $500 है, ठीक है, यही फार्मूला है आ जाकर और कुछ भी नहीं है, तो आप सभी एक्सचेंजेस पे मतलब 4 या 5 एक्सचेंजेस पे उनको डिवाइड कर दें। कुछ बिट गेट पर रख लें $120-125 $500 को, आप ज़ाहिर बात है 4 पे तकसीम करेंगे तो 125 ही बनेगा। कुछ आप OKX पे रख लें, कुछ KuCoin पे रख लें और कुछ बाइनांस पे। यही एक अपना फियर फैक्टर दूर करने का तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका मौजूद नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। सुबह जब आपसे BTC शेयर किया गया तो BTC के प्राइस 26,400 पे थे, ठीक है। और आपको जो रेजिस्टेंस बताई गई थी वो थी 26,890 की, यहाँ पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए थी और मार्केट 27,200 तक जा सकती थी, तो लिहाजा मार्केट ने 27,000 को टच किया, ठीक है। आप अपने बाइनांस बिटगेट जिस एक्सचेंज पे भी ट्रेड करते हैं उसे ओपन करें, आपको अभी पता चल जाएगा कि मार्केट 27,068 को टच करके वापस आ गई। और ये था बाइंग प्रेशर, ठीक है। दुनिया इतनी बाइंग कर लेती है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए पंप हो जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो गाइस यहाँ पर पोटेंशियल मार्केट के अंदर अभी भी स्पॉट वाइज बहुत अच्छी है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है। अपर साइड से शाडो उसका गिर रहा है तेज़ी से, तो ये बेरिश की तरफ भी जा सकती है। एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैक्स पम्प था 27,000 का, मार्केट डाउन कर गई है। अब 4 आवर की अगली कैंडल यहाँ पर बनने वाली है, जो तकरीबन 1.25 घंटे तक बनेगी, ठीक है, 45 मिनट तक। तो गाइस यहाँ पर सुबह के लिए हमारा स्टिल जो लेवल होगा वो 26,890 का ही है, ठीक है। इससे पहले मार्केट तो पंप नहीं होने वाली, और वीकर जोन होगी 26,275। इन दोनों लेवल के दरमियान मार्केट रहेगी। 26,890 पे हमारी रेजिस्टेंस पूरी होती है तो सुबह के वक्त मार्केट 27,300 तक भी जा सकती है। ये बहुत अच्छा लेवल है गाइस कि मार्केट अगर सुबह के ट्रेडिंग सेशन तक 26,890 तक पहुंच जाती है तो फिर डेफिनेटली ये एक नए एरा को जन्म दे सकती है, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज से
हमें डिफरेंट वे में पॉजिटिव न्यूज़ ही मिल रही हैं। तो गाइज आप पहली तरजीह यहाँ पर BTC को ही देंगे या बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम, और सुबह जब मार्केट आपसे डिस्कस की गई तो इथेरियम 1720 पे था और आपको जो सपोर्ट बताई गई थी वो आपने 100% यूटिलाइज़ की है 1710, क्योंकि 1710 ब्रेक हुई और उसके बाद मार्केट ने 1752 का हाई दिया। एक अच्छी ट्रेड मिली उन दोस्तों को जिन्होंने यहाँ पर न्यूली एंट्री ली, और ये टाइम है गाइस अपना लॉस रिकवर करने का। अभी हम यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती देख रहे हैं जिसने अपने दिन का आगाज़ किया है, लेकिन इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। और यहाँ पर अगर हम 4 आवर को देखें तो गाइस 4 आवर में इथेरियम के अंदर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं बन रही। नई कैंडल कभी यहाँ पर बिरिश हो रही है दोस्तों, कभी बुलिश हो रही है, तो मार्केट जो है वो तेज़ी से गिर रही है। हम तवज्जो देंगे 1700 के लेवल को। 1700 का लेवल यहाँ पर सुबह होने से पहले या अभी ब्रेक कर जाता है, 20 मिनट तक रिकवर नहीं करता, तो अब की बार हम 1650 और 1660 तक का लो देख सकते हैं। ये वक्त ही ये टेम्पररी होगा, ठीक है। पंप के लिए हमें चाहिए गाइस स्टिल 1755 से 1765, और मार्केट हमें 1790 तक का हाई दे सकती है। इसमें हमारे लिए हेल्पफुल टोकन होंगे दोस्तों IMX और STX। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।